उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल निर्वाचन 2022 को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान की अंतिम तारीख 31 सितंबर है। डॉक्टर संदीप बड़ोला, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पीए उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में गठित पैनल के सभी 6 सदस्य इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कौन लोग इसमें मतदान कर सकते हैं और कैसे उनके घरों तक लिफाफे पहुँचेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पूरे प्रदेश में 95,000 मतदाता हैं जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में जो भी रजिस्टर हैं, बी डी फार्मा, एम फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वहाँ पे, उसके लिए घर पे वोट पहुँचेगा और घर के वोट के माध्यम से वो अपना वोट करेंगे और वोट करने के बाद वो फिर उसको कम्प्लीट करके रजिस्ट्री करेंगे, फिर उसके बाद फार्मेसी काउंसिल में वोट पहुँचेगा। कुछ सदस्य और भी हमारे साथ हैं, इसमें मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप जैन, आइए उनसे जानते हैं कि जो उनके उम्मीदवार हैं उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं। बहुत काफ़ी समय बाद, बहुत मांग करने के बाद ये चुनाव हो रहा है काउंसिल का। ये काउंसिल को, चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए सभी लोगों को, फार्मासिस्ट जो भी इसमें मेम्बर हैं। 2021 तक जितने भी मेम्बर रजिस्टर्ड हो चुके हैं फार्मासिस्ट, वही केवल वोट कर पाएंगे जिनके वही सदस्य हैं इसके, और वोट करने की प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है। वो राणा जी ने आपको बताई है कि कैसे कैसे करना है। और काउंसिल में जो हमारे जो चुने जाएंगे सदस्य, उनको बड़े गंभीरता से वोट देना है कि कैसे हमारे लिए कौन कितना क्या काम कर सकते हैं, उस हिसाब से उन्हें वोट देना है। अब वोटर जो काफ़ी बढ़ चुके हैं, पहले जो है शुरू में प्रक्रियाएँ होती थी तो बहुत कम वोटर रहते थे, 12-14 हज़ार वोटर रहते थे। कई विभिन्न स्कूल खुलने से, वन कॉलेज खुलने से, पढ़ाइयाँ हायर एजुकेशन होने की वजह से वोटर भी बढ़ गए हैं। तो वोटरों को इन लिफाफों को बड़ी गंभीरता से लेके, और जो राणा जी ने प्रक्रिया बताई है कि किस तरीके से इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट करके और उसको लिफाफे वो किस किस को शीट करना है, लगाना है, उसको सारी प्रक्रिया राणा जी ने बताई है, उसके हिसाब से वोट लगाना। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं कि हमें आगे पढ़ के और आगे बढ़ना है, हमें आगे का ग्रेड हासिल करना है, ऐसे सिविल इंजीनियर का जो अपने नौकरी करते करते पढ़ लेते हैं, इस तरीके की जो प्रक्रियाएँ काफ़ी पुराने समय से ठप पड़ी हुई है, हमें उम्मीद है कि उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और फार्मासिस्टों को एक नई दिशा देंगे, काउंसिल में जाके एक नई दिशा देंगे, हमें ये उम्मीद है इनसे। 21 सितंबर मतदान की अंतिम तारीख है और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी, आइए उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर यह पूरा चुनाव होगा और जो 95,000 मतदाता जो बताए जा रहे हैं वो किन मुद्दों पर इस बार मतदान करने वाले हैं। धन्यवाद अनिल जी। चुनाव का बिगुल उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का बज चुका है। हमारे आदरणीय और जुझारू प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय संदीप बड़ोला जी के नेतृत्व में हमारा 6 सदस्यीय पैनल इस चुनाव के मैदान में उतरा हुआ है। हमारे 6 सदस्य हैं जिनका क्रम संख्या 2, 8, 13 और 16, 17, 18 हमारा क्रमांक है। उनके क्रमांक के आगे बैलेट पेपर में क्रॉस का चिन्ह लगा करके उन्हें विजयी बनाने का मैं आगरा डीपीए की तरफ से प्रदेश के सभी फार्मासिस्ट साथियों को, मेडिकल स्टोर वालों को, जो भी फार्मासिस्ट वहाँ पर लगे हुए हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा वाले सभी फार्मासिस्ट साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के 6 सदस्यीय पैनल को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएँ। तो देखा कि जिस तरीके से चुनाव से संबंधित जानकारी खुद रविंद्र सिंह राणा जी के द्वारा दी गई, साथ में ये जो पूरा चुनाव है वो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर है और व्यवस्थाओं जैसे मुद्दों पर है, कहीं ना कहीं जो आगरे की जो टीम है, 6 सदस्यीय टीम है, कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है अगर ये जीतेगी तो जो सिस्टम है उसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, साथ ही जो फार्मेसिस्ट साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएँ सुधारी जाएंगी ताकि आने वाले भविष्य में लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े और एक साफ सुथरी व्यवस्था उन्हें मिल सके। अपने साथी अनूप के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।